लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पश्चिमी यूपी के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं बसपा ने बिजनौर ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बिजनौर से ऐसा जानकारी मिल रही है कि हाथी का बटन दबाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कमल का चिन्ह दिखता है, जिसके बाद बिजनौर के सेक्टर मजिस्ट्रेट की इस पूरे मामले पर सफाई आई है। हाथी का बटन दबने पर दिख रहा कमल का फूल, आपको बता दें कि बिजनौर के कसौली मतदान केंद्र पर सुबह 7 से वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि हाथी का बटन दबाने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कमल का चिन्ह दिखता है। ऐसी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में बसपा नेता मौके पर पहुंचे और मामले की शिकायत सेक्टर मजिस्ट्रेट से की। बिजनौर सेक्टर मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने कहा, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। राकेश कुमार ने बताया, मॉक पोलिंग के दौरान कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसके बाद हमने पूरा सेट ही चेंज कर दिया। वहीं बसपा ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हमें विभिन्न मतदान केंद्रों से जानकारी मिल रही है कि बसपा के मतदाताओं को, विशेष रूप से दलितों को, यूपी पुलिस द्वारा बल के उपयोग से मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोका जा रहा है।